नर्माचार आओ महेश कोचरा ने पूरी रात की खबर है कि इन दफ़ा कराची में इलेक्शन थी रही बलदियाती इलेक्शन ने लियारी में बोला कि पाँच अक्सरियत बधा रहे हैं पाँजी जो कम्युनिटी है वो लियारी में बधा रहती है। मीडिया का मजे की गाल है कि अगर पाँजी कम्युनिटी में बढ़ चढ़ कर हर इलाके का पाँजा जो है हिस्सों गिनी रहे हैं जो भी डेली खुशाइन गाल है तो इन इलेक्शन के दौरान पाँजी कम्युनिटी या एक अड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर जो माजी में भी मुख्तलिफ इलेक्शन जहाँ हिस्सा रही चुका है जो बुध दफ़ा जो टाउन काउंसिलर रही चुका है सी एम पी यानी कि कच्ची मछली मेघवार पंचायत के अंदर भी उन्हीं की बेलोस खिदमत हुई ने इनके अलावा भी नात के अगर कितने किन जगह पर इनकी जरूरत पी है तो ये हर वक्त सरे फेरस रही अचो अंगे मिलायूँ था श्रीमान बोलू देव जी साहब नी का सर धर्माचार करम जवान की है यो तो ये बोलू देव जी साहब ही ने ई जो इन दफा इलेक्शन थी रही ई बिना किन पार्टी की टिकट के रही करे आज़ाद इलेक्शन लड़ी रही यानी कि इन दफा पाँ एतरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में अची वह कि पा हाँ आज़ाद इलेक्शन ला कर उठा आयु तो सर मिड़ी का पहला तक खीरू है के आई जो है एतो स्टेप खण्य तो सर बो दफ़ा पहला भी टाउन काउंसिलर रही चुका है कम्युनिटी में भी आज सर्विस है पो अचानक आ कि की ख्याल आयो कि हाँ हूँ चेयरमैन ला करो बो थी पहले तो संसद नाथ के धर्माचार क्रम जो दोस्तों ये जो सवाल है इलाही अहम है कि भाई पा ये कदम कुला खड़ियासी इनकी वजह ईज है कि ऐसो एज ए आऊँ जैसे टाउन काउंसिलर भी वो से तो मुझे काउंसिलर वोट दिना हुआ पब्लिक या कम्युनिटी वोट न दिने हुए तो उन टाइम ते भी असा जो इलाके जो काउंसिलर हूँ हुआ असा उन्हीं जो कम करयासी ने 11 यूनियन काउंसिल के अंदर मुझे कम किन भी यूनियन काउंसिल में ढकी चुपी गाल न है लेकिन हाँ तनकीद करनू हर कें जो ही राइट है इख्तलाफ़ रखनू हर कें जो राइट है कुला कि जमहूरियत जो तरीक़ेकार ईज है कि उनमें जडे तक पाँच मत तनकीद नहीं दिए किन भी हवाले से तो आऊँ समझा तो कि किन भी हवाले से पा में जोश न तो अची सके ना वो कम करे सको था जो तनकीद करे वाला दोस्त आई उन्हीं के भी मातंग तो सो जो वक्तन वक्तन पाँच मत तनकीद भी कर उनो नतीजो अज ये निकली अची आयो कि पाँ अज जो बलदियाती इलेक्शन लड़ी रहा हूँ न वो भी आज़ाद तरीके से उन यूनियन काउंसिल में लड़ी रहा हूँ जिते पाँ जो है ना 75 साल का जो है ना पाँ हमेशा वोट दींदे आया हूँ किन भी सियासी पार्टी के आज़ाद इन लड़े जो मकसद ही है कि कम अज़ कम पाँ पाकिस्तान की सता दें या हुकूमत की सता दें इन्हीं की ही खबर होनी खपे कि भाई इन कम्युनिटी जा सिर्फ एक यूनियन काउंसिल 12 के अंदर तकरीबन 9000 का 2000 वोट है जडे 9000 का 2000 वोट की जडे पा रेशो दिखारींदी या उनके समझ अची तो कल जो केर भी पाँच नौजवान जो छोकरो जो है वो अची कर एमपीए की सीट ते पिंजो जो इलेक्शन लड़ी सके तो इलेक्शन लड़े के बाद आऊँ समझा तो एमपीए के बाद ही इन कौम की तरक्की है सही बाकी अगर पा समझदी कि भाई ये कदम अस खी आऊँ समझा तो इनमें धनी मातंग डाडा की रजा है ने इन कौम की रजा है ने ये जो पाँच इलाके की जो आवाम है जो यूनियन काउंसिल 12 की जो पब्लिक है नौजवान जो दोस्त हैं नौजवान जो पाँ यूथ है ने बुजुर्ग हैं इन मिनी की दुआ है कि पाँ जो है इतने बड़े स्टेप में आया हूँ ठीक है इनके अंदर इंसान के मते जो है ना माली ने जानी बोए नुकसान भी वेंदा लेकिन इन मिनी के मद्देनजर रखी करें पा ही कदम इला कर खणियासी कि यार कोई तो इन मैदान के अंदर आज़ाद उम्मीदवार में जम पाने ताकि कौम की तरक्की जो ये एक दरवाजो है कॉरिडोर है जैसे पा ही कॉरिडोर को उबूर करी तो एमपीए की सीट के मत पुजासी इनके अलावा पाँच बो कोई भी रस्ता सर माजी में भी डिठा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ला करे इली बागदौड़ क्यों हो इली खासे पैमाने से कम भी क्यों हो नसीमा भलो साहिबा जो भी उन्हीं की भी इली क्लोज हुआ एतरी मेरा खिदमत करे के बावजूद सवाल ये कि आई आज़ाद कुला वही रहा पार्टी लेवल तो कुला ना वही रहा मतलब आज सवाल इले वैलिड सवाल है कुला कि मुझे जो तालुकात है हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी रो है ने आऊँ अड़े माड़े के साथ भी जो वर्क कर अज वो दोस्त नाराज़ भी हैं लेकिन मुला कर अवल जो है ना कौम है जडे कौम ला कर मुख्य जडे अंधेरो ऐसणो क्या मुझी कौम के अंदर मुझे कौम के अंदर इन नौजवान ला कर या इन कौम के जो बादशाह तालीम याफ्ता माड़ू ला कर दोस्त ला करें
कि पाकि हिकड़ी वार्ड जी भी अगर काउंसिलर जी अगर के सीट न दे ने पा ही समझो कि मुझे वाइस चेयरमैन जी मिलती तो चेयरमैन जी मिलती वो तो कोई नीला कर इले परिया जी गाल है। जडे पाके कोई सियासी पार्टी दिसो भुट्टो साहब जो भी चोण है बेनजीर साहिबा जो भी चोण है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। जडे पा पांजी ताकत दिखारिमो पांजी अवाम जी ताकत दिखारिंदासी पांजे वोट जी ताकत दिखारिंदासी तो काल जो चुको है ना ही सियासी पार्टी अची करे पाके चोंदी कि भई आंजो एमपीए दियो आंजो असांगे जो है ना वाइस चेयरमैन दियो चेयरमैन दियो बिल्कुल इनके अलावा पांडे की भी ना आ उन्हीं जा खदशा जो ही वो पिंजी जगह तई न उन्हीं दोस्तें का भी मुझे जो है ना एक सवाल है कि कम अज कम आई असाजे मत तनकीद करो लेकिन जाती तनकीद का गुरेज करो। हाँ ये बिल्कुल सही गाल है तनकीद बराए इसलाह होनी खपे न तनकीद भी खासी गाल है लेकिन पॉजिटिव वे में करींदा तो वधारे बेहतर होंदी। तो सर हाँ आखिरी सवाल हाँ का ये आई पिंजो एक्सपीरियंस भी शेयर करो अगर अलग मातंगणी आके कामयाब करे तो असा दुआई आम भरो ने संसद नाथ का भी रिक्वेस्ट है कहीं कि लाजमी वोट दी जा अगर आई इलेक्शन विन करो था तो आई नातला करे कुर सोचो हो अड़ो कुर प्लान आई पाँगी नातला करे सोची रखा हो कि अगर आई इक्तदार में अचो था तो कम्युनिटी का आंका कुर फायदो थींदो। दिसो ये सिटी गवर्नमेंट जो इलेक्शन है बलदियाती इलेक्शन है आऊं समझा तो एकड़ो इन्हीं इन इदारे में वो माड़ू वे जैसे अंदर राइटिंग पावर ने टॉकिंग पावर है जिनके अंदर राइटिंग पावर ने टॉकिंग पावर है वो इनके अंदर हिस्सो गिनी सके तो मिसाल के तौर से अगर टाउन के अंदर मुझे अगर वाइस चेयरमैन मुझे यकीन है कि उनके अंदर भी टॉकिंग पावर है ने सिटी गवर्नमेंट में जैसे असा वेंदासी तो तेर जो ही मुझे हल्को तो हों लेकिन कम्युनिटी बेस के मत मुझी कम्युनिटी चाहे कराची के किन भी कोने में रहती लेकिन मुझी कम्युनिटी जो मू कि भी हों तो आऊँ किन न किन कमेटी जो अड़ो मेंबर हों जो कराची की सतह से मुझी कम्युनिटी जो मिणे कम कर सका तो लेकिन अलका वाइज के हिसाब से मुझी यूनियन काउंसिल जो बजट जो है मुझी यूनियन के मत ही लगी सके तो अदरवाइज बे कि भी न तो लगी सके। बिल्कुल सही तो 24 तारीख जो इलेक्शन ही आतवा जो डी है आ चाह तो आई पिंजे मुखे से चयो कि आज इंतखाबी निशान को रहे भाई संसद नाथ के ये पेरी मरतबा जो है ना अस वोट घुरी रहा हूँ इनका पेरी अस कदें भी वोट ना घुरी रहासी ये वोट इंतखाबी निशान बेल है आम जबान में पा गों भी चई सकोंदा ऑक्स भी चई सकोंदा ई जो आंजो जो वोट है ना ये समझो आंजी जीत में आंजो वोट है आई असांखे अगर इलेक्शन के अंदर वोट दींदा समझी उनकी असांजी जीत ना हूँ इन पूरी कौम की जीत हूँ इनके अलावा जो पण आंजा जो समाजी कम हूँ जो आंजा पांजा बलदियाती कम हूँ आई कम अज कम असांखे आवाज़ दी करे आई असांखे ईजी कम कटाए सकोता इनके अलावा बो की भी अस आंका सिर्फ ही रिक्वेस्ट कर सकोता कि आई जो है सिर्फ ये पहली मरतबा अस आटा इन कौम ला कर ही वोट घुरी रहा हूँ 75 साल तारीख के अंदर पांजो ही पहलो कदम है जो आई असांखे कामयाब करींदा समझो कौम की कामयाबी थी जय धनी मातम। तो ये भोला साहब ने स्ट्रॉन्ग मैसेज हो ने आऊँ बिल्कुल चवंदस कि मिड़ी जितनी भी जाती रंजिश हुई जाती इखिलाफात हुई उन्हीं की साइड से रखे करे ने 24 तारीख जो पांजे पिंजे माड़ू के पांगे वोट दिनो है पर बे के तार दफा वोट दियूँ था पांगे पिंजे माड़ू के कामयाब कराणू है ऐसा दुनिया में इलाही कौमों वह थी जिनकी आपस में नती बने इले इख्तलाफात वह था लेकिन जडे गाल पिंजी तरक्की है पिंजी कौम की अची थी मेड़े अकड़ा थी वे था तो अजी पांके भी एकड़ो थियणो है भले आज़ाद उम्मीदवार ही तो कुर थो लेकिन अंता पांजा पिंजा आंके 24 तारीख जो है बेल के निशान से आंके जो है वोट दिनो है ने श्रीमान बोलानी के जो है वो कामयाब कराणो है इन्हीं की कामयाबी कौम की कामयाबी नाथ की कामयाबी कामयाबी या पामड़ी की कामयाबी हाँ सवरें के मातंग ने दुस्यो जय धनी मात।